महबूबा मुफ्ती बोल रहे हैं, नहीं नहीं होना आप फिर से फारूक अब्दुल्ला महबूब, हमारा वो नहीं है, हमारा सीधा सा सवाल ये है कि आर्टिकल 370 आखिर है क्या? सीधा इन लोगों इन नेताओं ने लोगों को बर्बाद किया। आखिर आर्टिकल 370 है कुछ नहीं, कुछ नहीं था, नहीं था या नहीं था, आखिर है क्या? नहीं कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आखिर है क्या? हम नहीं मानते इसको 370 कुछ था, हमारी सरकार हमारे मैनिफेस्टो था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, हम नहीं नहीं बिल्कुल, आप माने या ना माने आर्टिकल 370 आखिर है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं, काफी तरह ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं आर्टिकल 370 था क्या। आर्टिकल 370 सुनो मेरी, आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 कुछ नहीं था, है क्या आखिर? अगर था कुछ नहीं था, अगर कुछ नहीं था मतलब था क्या आखिरकार, किस क्या था? ये सिर्फ एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस पीडीपी इस पर सियासत खेल रहे हैं। बिल्कुल, अब आर्टिकल 370 आखिर का था क्या? ये बहुत बड़ी लीडर का काम है, मेरे पास की बात नहीं। तो आर्टिकल 370 आप बता रहे कि हट गया, अच्छा हुआ, मगर आपको आर्टिकल 370 पता ही नहीं है क्या? नहीं, अच्छा हुआ, ये समझो जो यहाँ कुछ लीडर थे वो मैं वो बात नहीं बता रहा ना जनाब, मैं आपको ये बता रहा हूँ आर्टिकल 370 आखिर था क्या। वही बात मैं बता रहा, यहाँ खानदानी राज था, चाहे फारूक अब्दुल्ला, आप फिर से राज पे आ गए जनाब, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ आर्टिकल 370 था क्या? आप खानदानी राज अपोजिशन को छोड़ के आर्टिकल 370 अगर आपने डिफाइन करना हो, आर्टिकल 370 क्या है? जावेद साहब वही मैं बोल रहा ना, वही, ये कुछ नहीं था, अगर हम कुछ नहीं था, नहीं जनाब आखिर था क्या? कुछ नहीं था, अगर हम हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास, किसका नारा था? मोदी जी का, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास आपको नजर आता है? बिल्कुल, कहाँ पे नजर आता है? हमें जो कार्ड उज्ज्वला कार्ड बनाया या गैस, हमने सबका साथ सबका विकास नजर का, वही बात में बोल रहा था, जो गैस दिया हमने, हमने ये नहीं, गैस में आपका सबका साथ सबका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाली गैस में सबका साथ सबका विकास है, जो जो सिक्किम में मोदी जी, सिर्फ हमें यहाँ अमन और शांति चाहिए, बस अमन और शांति है यहाँ, हम कायम करना चाहते, कौन नहीं करने, सिर्फ अपोजिशन वाले, अपोजिशन वाले आपको निकाले कायम करने, हाँ अपोजिशन वाले, ये अपनी सियासत खेल रहे लोग के साथ, आपको नहीं लगता बीजेपी भी सियासत खेल? नहीं, बीजेपी सियासत नहीं खेल रहा, बीजेपी सिर्फ लोगों के हित में काम कर रहा है बस। बात करेंगे आज बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से और कई लीडरों से हमने बातचीत करके देख ली, यानी कि जिस तरीके से रविंद्र रैना से हमने बातचीत की, और उसके बाद कई तरह ऐसे सियासती लीडर हैं जिसमें अल्ताफ ठाकुर भी आते हैं, उनसे भी बातचीत करके हमने देख ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम कादिर साहब। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है दी टाइपराइटर। शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपका हम बहुत वेलकम करते हैं, जब 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 भी कोई इंसिडेंट होता है तो आप सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी कई तरह दावे करती है, बीजेपी का ये भी कहना है कि आर्टिकल 370 के बाद डेवलपमेंट उरूज पर हुई है, और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करें, बहसीतिए आप जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो गांधरबल में क्या तमीर तरक्की हुई है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद? गांधरबल में जो देखो जोजला टनल हमने बनाए, जो श्रीनगर और लेह को मिलाती है, इसमें 65 शायद 100 करोड़ खर्चा आया है, वो हमने इनको 2027 तक बोला है, मगर मुझे लग रहा है शायद 2025 तक ही वो तैयार हो जाएगी, ये डेवलप है। तो इसके बावजूद अगर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करें जनाब, सड़कें यहाँ की देखिए, आप सड़कें देखिए गांधरबल में, मुझे लग रहा है सबसे अच्छा रोड है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा नजर अंदर घुमाएं और गुटली बाग की बात, वो पिछली बार सहराब आया, उसकी वजह से वो बह गई, उस टाइम ब्लैक ट्रैफिक का सिस्टम नहीं था, अब एक्जन साहब ने हमने चीफ साहब से बात किया, इस साल मई में हो जाएगा। कब तक मतलब कितना टाइम हो गया जब सहराब आया? तकरीबन हो गया मुझे लगता है 5-6 महीने हो गया, 5-6 महीने से लेके अभी तक जो है उस पर नजरसानी नहीं हुई, और कई तरह वहाँ से गुटलीबाग एरिया आता है, कई तरह आबादी वहाँ पे रहे, नहीं जो बॉयजरी ढाला उसमें वो खड्डे वड़े थे वो भर गए, अब ब्लैक टॉपिंग है, वो हो जाएगा, सर्दियों का मौसम था यहाँ माइनस होता है, उसी वजह से मई जून में हो जाएगा। अब भाजपा सरकार का मुद्दा मंशूर क्या है? भाजपा का मंशूर है गरीबों की मदद करना है बस।
यहाँ पे गरीबों की मदद करना, आपने बड़ी बात कही कि गरीबों की मदद करना, उसी सब पे अगर देखें तो कई तरह ऐसे लोग भी हैं जिन्हें है रात का खाना और रात की रोटी नसीब नहीं होती। खासकर बात करूंगा वुरपश की, कई तरह ऐसे गरीब तबके हैं, उनके लिए क्या कुछ भाजपा सरकार ने या फिर आपने उनके लिए कदम उठाया? भाजपा सरकार ने जब कोविड की लहर ढाई साल से चल रहे हैं, भाजपा सरकार ने, मुझे नहीं लग रहा वो कोई गांव भी होगा जहां वाजपेयी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, जिनने राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कपड़े नहीं किए, कमले हमने दिए लोगों को, क्योंकि हमें पता है लोग मुसीबत में हैं। तो आम इलेक्शंस की सियासत जो है उरूज पर है, कई तरह बयानबाजी निकल के सामने आती है और आने वाली कौन सी सरकार होगी लोग बड़े ही परेशान हैं, आप किस हिसाब से देखते हैं आने वाले इलेक्शंस? इंशाल्लाह हमारा जो नेता रविंद्र रैना साहब है, हमारा प्रेसिडेंट साहब है, उसने इस बार नारा दिया 50 पावर जी। इस बार हम इंशाल्लाह 50 पावर भी देंगे, हम वन हैंड सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले दौर में अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले आप किस पे नज़रसानी करेंगे? बेरोजगारी पर। बेरोजगारी यहाँ पे उरूज पे है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, तो इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके रेशियो कम होते थे और अब ज़्यादा है, आखिरकार क्या वजह हो सकती है? इसमें यही वजह थी जो 90 से इन्हें केजरीवाल किसी को, मुझे परसों भी मेरे पास एक जमात आ गई हेल्थ की, वो 27-28 लड़के हैं, 2014 में उसने 2013 में उनने मियालता साहब ने उनको चिट्ठी दिया इनको यहाँ रिक्रूट करो, आज तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, समझो वो उनको बेवकूफ़ बनाते लोगों को, हम ऐसा नहीं चाहते। बेवकूफ़ बनाते एनसी गवर्नमेंट, खासकर एनसी बनाती है या बाकी सर? एनसी खासकर, क्योंकि पीडीपी 2000 में बनी, पीडीपी के बाद हम ज़्यादा उंगली नहीं उठाएंगे। आप मतलब पीडीपी आपके दिल के बड़े करीब? नहीं, करीब नहीं है, वो उनने भी सियासत खेली लोगों के साथ, मगर उनको 20 साल हो गया, नेशनल काउंसिल को 70 साल हो गया यहाँ। उसके बाद जो PMY आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले उन लोगों को दिया गया जिनको अप्रूव था, जिनके पास पक्के मकान है उनको दिया गया, वो 5,000-10,000 खर्चे करते थे देते थे। परसों एक बजट पास हुआ मरकज में, 54,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना, वो उन लोगों के लिए है जिनके घर नहीं है, जिनको जो शेडों में रहते हैं, जिनके कच्चे मकान हैं उनको, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया 2022 तक तकरीबन हर पक्के मकान होंगे इंशाल्लाह। हमें उस पर बहुत शुक्रगुजार है सरकार, केंद्र सरकार की। आपको क्या लगता है सबका साथ सबका विकास किसका नारा था? मोदी जी का सबका साथ सबका विकास आपको नजर आता है? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे नजर आता है? हमें जो कार्ड उज्ज्वला कार्ड बनाया या गैस हमने, नहीं, सबका साथ सबका विकास नजर का, वही बात में बोल रहा था, जो गैस दिया हमने ये नहीं, गैस में आपका सबका साथ सबका, हाँ बिल्कुल खाली गैस में सबका साथ सबका विकास है, जो सिक्किम में मोदी जी की वो में से सबका साथ सबका विकास है। तो लोग क्यों फिर सड़कों पे होते हैं जनाब? वो हमें सिर्फ 5-6 साल हो गए यहाँ सरकार चलाते, ये अभी भी हमारी सरकार है 5-6 साल, बड़ा कम वक्फा है। मेरी बात सुनो जावेद साहब, हमारी सरकार आज है नहीं, आज किसकी सरकार है? आज गवर्नर रूल है। अच्छा। गवर्नर रूल हर किसी का होता है, हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार वन हैंड सरकार बनेगी इंशाल्लाह इसी साल, तब हम लोगों को बताएंगे हमारी सरकार ने क्या क्या किया। जनाब सेंटर में आपकी चल रही है, सेंटर की बहुत अलग है, यूटी है जम्मू कश्मीर यूटी में गवर्नर रूल होता है, गवर्नर ये नहीं किसी पार्टी का होता है। नहीं, कैजुअल लेबर्स अपना हक मांग रहे हैं, डेली वेजर्स अपना हक मांग रहे हैं, ICDS डिपार्टमेंट अपना हक मांग रही है, मुख्तलिफ ऐसे महकमे अपना हक मांग रहे हैं, पुलिस महकमे की बात करूंगा उनको रिस्क अलाउंस है जनाब, उसके बावजूद SPOs की बात करूंगा उनके लिए आपने कभी कोई आवाज़ उठाई? वो लड़ रहे हैं, हम SPO के लिए लड़ रहे हैं, पहले उनको 3,000 मिलते थे, आज 18,000 मिल रहे हैं। 18,000 मिल रहे हैं जनाब, क्या बता रहे जनाब, 9,000 नहीं, जिनको 12 साल हो गए ना उनको 18,000 मिल रहा है। तो इसके बावजूद कई तरह ऐसे महकमे हमें दिखते हैं सड़कों पर, वही है ना, वो एनसी की नाकामी थी, एनसी ने उस टाइम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैंने बोला ना मियालता साहब ने 28 लड़के हेल्थ के उनको चिट्ठी दिया था ऐसे ही, आज तक उन्हें एक पैसा नहीं लिया, वो किसी खाते में है नहीं, वो आज भी बोल रहे हम मुलाजिम हैं, सिर्फ उनको ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते, आप हाँ फलानी जगह जाओ DFO साहब या कोई भी किसी महकमे का जो बड़े अधिकारी होता है उसको बोल रहे एक महीने का 500 दे दो, साल में उनको 1,000-2,000 देते थे, वो समझते हम लाजिम है, उसी से इन्हें गंद मचाई यहाँ। हमें 6 साल हो गया अभी, 70 साल की गंद और 6 साल में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगेगा ना अभी, और कितना टाइम लगेगा?
इंशाल्लाह हमारी वन हैंड सरकार बनेगी, एक साल तक हम पूरा ध्यान दे देंगे इस पर बेरोजगारी। अच्छा, आपसे एक सवाल हमारा रहेगा, जिस तरीके से अब बताया ये जा रहा है कि जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी निखर के आ रही है, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर आपको मौका देगी? ये लोगों को खुद ही आज पता चल रहा है बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया यहाँ लोगों के लिए। 70 साल से किया, लोग मायूस होते हैं, किसी भी दफ्तर में जाते धक्के खाते हैं। आज अगर कोई भी फाइल होती किसी भी के दफ्तर में, मुझे नहीं लग रहा है एक हफ्ते से ज़्यादा वो वहाँ रुक रहे हैं। मतलब एक हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई होती है, चाहे जेन्युइन हो या अगर जेन्युइन नहीं भी होगा तब भी वो ऑफिसर लिख रहा है नहीं ये नहीं है जेन्युइन। मोदी जी को किस नज़रिए से देखिए? मोदी जी बहुत ग्रेट लीडर है दुनिया से, दुनिया में मुझे लग रहा है सबसे कदावर लीडर है मोदी जी। अगर मोदी जी को आपको कोई मैसेज देना हो, क्या मैसेज? मोदी जी को मैं यही कहूँ, सिर्फ हमें यहाँ अमन और शांति चाहिए, बस। अमन और शांति है यहाँ, हम कायम करना चाहते हैं। कौन नहीं करने देता? सिर्फ अपोजिशन वाले। अपोजिशन वाले आपको नहीं कायम करने देते? हाँ, अपोजिशन वाले, ये अपनी सियासत खेल रहे हैं लोगों के साथ। तो मतलब आपको नहीं लगता बीजेपी भी सियासत खेल रही है? नहीं, बीजेपी सियासत नहीं खेल रहा है, बीजेपी सिर्फ लोगों के हित में काम कर रहा है बस। कश्मीर फाइल्स अब नया मुद्दा आया है, और कश्मीर फाइल्स में ये बताया गया कि जब 1990 का दौर था और उस वक्त में जो है मुसलमान कम्युनिटी ने कश्मीरी पंडितों पे जुल्म किया। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ने उस टाइम पंडितों पर जुल्म नहीं किया, उस टाइम यहाँ मिलिटेंसी क्रूज पर थी, यहाँ मिनार्टी में आते पंडित बरादरी, वो उस टाइम डर के माहौल से भाग गए, किसी जगह उनको भगाया भी गया, मुझे लग रहा है किसी जगह में उनको भगाया भी गया, क्योंकि किलिंग हो रहे हैं, आज भी किलिंग हो रहे हैं, उस मुस्लिम ज़्यादा मारी, मगर जो पंडित लोग हैं वो मनाटी में आते हैं, यहाँ काम है बेचारे, हमें उनको तहफ़ देना है। आपसे सवाल एक रहेगा कि आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 कुछ नहीं था, है क्या आखिर? अगर था कुछ नहीं था, अगर कुछ नहीं था मतलब था क्या आखिरकार, किस क्या था? ये सिर्फ एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस या पीडीपी इस पर सियासत खेल रहे हैं। बिल्कुल, अब आर्टिकल 370 आखिर का था क्या? ये बहुत बड़ी लीडर का काम है, मेरे बस की बात नहीं है। तो आर्टिकल 370 आप बता रहे हैं कि हट गया, अच्छा हुआ, मगर आपको आर्टिकल 370 पता ही नहीं है क्या? नहीं, अच्छा हुआ, ये समझो जो यहाँ कुछ लीडर थे वो अपना, मैं वो बात नहीं बता रहा ना जनाब, मैं आपको ये बता रहा हूँ आर्टिकल 370 आखिर था क्या। वही बात मैं बता रहा यहाँ खानदानी राज था, चाहे फारूक अब्दुल्ला, आप फिर से राज पे आ गए जनाब, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ आर्टिकल 370 था क्या? आप खानदानी राज अपोजिशन को छोड़ के आर्टिकल 370 अगर आपने डिफाइन करना हो, आर्टिकल 370 क्या है? जावेद साहब वही मैं बोल रहा ना, वही, ये कुछ नहीं था अगर हमारा, कुछ नहीं था, नहीं जना आखिर था क्या? कुछ नहीं था अगर हम हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, ये हिंदुस्तान का ताज है जी। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हम बोल रहे हैं वहाँ अगर कोई कानून नाफिज होता है, यहाँ फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती बोल रहे हैं नहीं आप फिर से फारूक अब्दुल्ला महबूबा, हमारा वो नहीं है, हमारा सीधा सा सवाल ये है कि आर्टिकल 370 आखिर है क्या? सीधा इन नेताओं ने लोगों को बर्बाद किया, आखिर आर्टिकल 370 है कुछ नहीं, कुछ नहीं था, नहीं था या नहीं था आखिर है क्या? नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था आखिर है क्या? हम नहीं मानते इसको 370 कुछ था जी, हमारी सरकार हमारे मैनिफेस्टो था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, हम नहीं बिल्कुल, आप माने या ना माने आर्टिकल 370 आखिर है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं, काफी तरह ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं आर्टिकल 370 था क्या, आर्टिकल 370 क्या है? सुनो मेरी बात जावेद साहब, हम हिंदुस्तान की एक स्टेट ये भी है, हमारे हिंदुस्तान में 33 स्टेटें हैं, एक स्टेट ये भी है, अगर वहाँ एक तिरंगा है हुआ यहाँ दूसरा तिरंगा कहाँ, ये किस कानून में लिखा है? एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, ये हमारा नारा है, वो हमने किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें और हुकुमबाजी हो रही है, यानी कि नारेबाजी भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, कई तरह सियासी चेहरे हैं जो अभी रैलियां भी निकाल रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ, लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, पहले लोग डरते थे बीजेपी से क्योंकि ये अपोजिशन वाले इनको बोल रहे हैं हिंदू बनाएंगे आपको, ये हिंदू राष्ट्र सेक्युलर मुल्क है, यहाँ ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर कोई हमारे देश में रहता है, क्योंकि एक बाग में एक ही फूल नहीं दिखता है, जब उसमें बहुत फूल होते हैं ना वो बहुत जचता है, अच्छा लग रहा है, उसी वजह से
हम भी मुस्लिम हैं, जम्मू कश्मीर की बात करो, जम्मू कश्मीर में मुसलमान मजारिटी है, मगर अगर वहाँ भी एक कानून होगा, ये अलग, यहाँ अलग कानून होगा, ये नाइंसाफी होगी। अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा, आपके घर के बाहर यहाँ पे एक सेंटर है, पीएससी सेंटर है, उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, और यहाँ ये भी सुनने को मिल रहा है वहाँ पे जो है शाम को जाके लोग बच्चे जो है ड्रग्स कर, हाँ, करते हैं, तो फिर आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? हाँ, मैंने एक बार भी जेके पीसीसी एमडी साहब से मिला, उन्हें ऐसे उसका ठेका टेंडर लिया, हमने गवर्नर साहब से रजू किया, उस पर फटाफट ध्यान दे, उसको चालू करे, क्योंकि जो जहाँ उस पर भी सियासत होती है, जहाँ पहले जहाँ ये डिस्पेंसरी होती है पहले प्राइवेट मकानों में, उस टाइम एनसी की गवर्नमेंट थी, वो लोग चाहते हैं, हम आप जिसकी भी गवर्नमेंट हो जनाब, इसको तो वही 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 बात मैं बोल रहा ना, लोग बोल रहे हैं हमारे घरों में रहे, हमारा किराया मिलेगा, हमारा रेंट मिलेगा, मगर हम नहीं चाहते। अब इंशाल्लाह इस साल इस पर काम हो जाएगा, इंशाल्लाह एक डेढ़ साल में इसमें लग जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे गुलाम कादिर साहब, जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया जावेद साहब आपका भी। नाज़रीन, कई तरह मुद्दों पर बात हुई और बातचीत हुई, डेवलपमेंट पे बातचीत हुई, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल पे और बातचीत हुई, आर्टिकल 370 पे, आखिरकार आर्टिकल 370 है क्या? आप देखते रहिए रिटायर पैटर जावेद खान के साथ।